ना लगता है लगन राजेंद्र कुश्ती नहीं ये तो नाम ही तो है राजेंद्र कुश्ती अपन पर हिंदी क्या दीजिए ला घरटा वो बोलते हैं जितना भी हड्डी टूटे कोई बात नहीं, अगर चूर चूर भी हो जाए प्लास्टर की जरूरत नहीं, बस हो जाएगा। बिना मंदारे भलो ये देखिए ये सारे आयुर्वेदिक है। देखिए इसमें केला मिला के खाना पड़ता है। वो जो कबीराज है वही खिलाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, वो खिलाते हैं। बस दो बार आना पड़ता है तो फिर ठीक हो जाता है वो हड्डी का जो भी प्रॉब्लम है। ये देखिए ये सारा मेडिसिन यहाँ पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह को 6 बज रहा है। बस अभी हम जा रहे हैं एक नई जगह, क्योंकि बाबूजी और मम्मी जी को लेके जाना है एक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके जाना है, बहुत दूर एकदम पहाड़ के साइड। चलिए मैं थोड़ा नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और जल्दी जल्दी निकलते हैं। और सुबह 5 बजे जाना था तो 6 बज गया, तो चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एकदम पहाड़ के साइड, दिखाऊंगा एकदम पहाड़ का नज़ारा। और चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। ये देखिए इसके ऊपर एक टावर, और टावर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, और वहाँ पर एकदम हमारा राडार सिस्टम है, उड़ीसा का एकदम राडार सिस्टम यहाँ पर है। ये अब चलते हैं आगे, आगे भी दिखाता हूँ आप लोगों को। यह है एक छोटा सा मार्केट जो हमारा पहाड़ के अंदर पड़ता है, पहाड़ी मार्केट। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं शायद यहाँ से और भी 10-12 किलोमीटर के दूरी पे है, और हम लोग धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि इस साइड में थोड़ा रास्ता और बीच बीच में होम्स है, तो इसलिए थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। ये देखिए सब पहाड़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो लकड़ी लाने के लिए जाएंगे जंगल में। सब सारे पहाड़ी लोग जाएंगे लकड़ी इकट्ठा करने जंगल के अंदर। देखिए कितना बड़ा बड़ा ये सब, कितना बड़ा जंगल, एकदम दोनों साइड जंगल है। ये सारे सागवान, सागवान के पेड़ है, और ये हमारा फॉरेस्ट एरिया में जाता है। घाटी जैसा है एकदम, हम लोग पहाड़ से नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे करके।
फिर जाएंगे ऊपर, यहाँ से थोड़ा जोर से जाना पड़ेगा ऊपर। ये सारे पहाड़ी गांव है। फिलहाल हम लोग पूछ के जा रहे हैं क्योंकि हमको पता मालूम नहीं है, इसलिए सारे लोग को बीच बीच में पूछना पड़ता है। और यहाँ से और 2 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट लेंगे, पास पहुँच जाएंगे बरवाटी। सामने से पहाड़ चपल खुल देखिए। ये कबीरज जी मम्मी जी को खिला रहे हैं मेडिसिन, देखिए वो खुद खिलाते हैं और केले में मिला के वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को खुद खिलाते हैं और ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं 1 महीने के अंदर पूरा ठीक हो जाएगा। कुछ भी हड्डी का प्रॉब्लम है, हड्डी टूटता है तो कुछ भी प्रॉब्लम है हड्डी का एकदम ठीक हो जाता है बिना पैसों में, पैसा नहीं लगता। चलिए फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं वो कबीरज के पास। बस सारे मेडिसिन खा लिए और मम्मी जी और बाबू जी तो खा लिए मेडिसिन, बस मैं अभी खाऊंगा। देखते हैं, ये जो यहाँ पे आने का एड्रेस मालूम नहीं था तो थोड़ा तकलीफ हुई आने में, चलिए खा लेते हैं। জানি খাইলে খালি আগে গিলি দিও মুখে খাই না ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଶରେ ଘୁରିଗଲେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯିବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ଖାଲି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା କହିବେ, କହିବେ କମଳ ଲୋଚନ ଖିଲା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଘର ଏତିକି କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଜିନିଷ ଏଠି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। बस मेरा भी इलाज हो चुका है, देखते हैं वो कब तक ठीक हो जाएगा, लगता है तो ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये उनका छोटा सा घर, वो बोलते हैं जितना भी हड्डी टूटे कोई बात नहीं, अगर चूर चूर भी हो जाए प्लास्टर की ज़रूरत नहीं, बस हो जाएगा 1 महीने के अंदर एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा हड्डी। ये देखिए ये सारे आयुर्वेदिक है, देखिए इसमें केला मिला के खाना पड़ता है। वो जो कबीराज है वही खिलाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं वो खिलाते हैं। बस 2 बार आना पड़ता है तो फिर ठीक हो जाता है वो हड्डी का जो भी प्रॉब्लम है। ये देखिए ये सारा मेडिसिन यहाँ पे। फिलहाल बाबूजी और मम्मी जी का तो इलाज हो चुका है, मैं भी थोड़ा इलाज खा लिया, वो आयुर्वेदिक इलाज था। तो चलिए अब चलते हैं घर, और कल के लिए भी मेडिसिन लिए हैं और कल भी खाएंगे, फिर 7 दिन के बाद आएंगे और
और डॉक्टर साहब ने मना किया है कि इमली और मछली मत खाना और सारे चीज खाना। चलिए चलते हैं अभी घर। देखिए बस आ चुके हैं खाने, आज फाइनली बाहर का खाना खा लिया। सुबह सुबह हम लोग टिफिन कर रहे हैं, एकदम होटल में कर रहे हैं। और चलिए थोड़ा खाते हैं और जल्दी निकलते हैं यहाँ से घर। फाइनली रात को 11 बज रहा है, बस सारे लोग सो चुके हैं और मैंने लिए तो खाना रख दिया है। बस करते हैं डिनर, डिनर में बनी है रोटी और दूध, खाते हैं और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों, ऐसा शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके देना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।